महाराजगंज विधानसभा के महाराजगंज में रविवार को जदयू प्रत्याशी हेमनारायण शाह ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महाराजगंज के बलिया पोखरा समेत अन्य जगहों पर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की निवेदन किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण देव पटेल, सुरेंद्र पटेल, लालजी राय, रंजीत प्रसाद, रमेश मांझी, लगन प्रसाद, जनकदेव सिंह, राजेश यादव, मुरत मांझी, विक्रम प्रसाद, साहिब हुसैन, ओम प्रकाश गुप्ता, ललन प्रसाद, मौलाना कादिर, अवधेश, वैद्यनाथ मुसहर मौजूद रहे। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि अपार समर्थन मिल रहा है। ये हमारा लड़ाई नहीं, एक एक जनता का लड़ाई है, एक एक कार्यकर्ता का लड़ाई है, ये मान सम्मान का लड़ाई है और विकास का लड़ाई है। जो न्याय के साथ विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास, और हम जो विकास किए हैं, ये विकास का मुद्दा हम लोग घर घर तक लेकर जा रहे हैं और जनता का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से 27 प्रत्याशी है, आप अपनी लड़ाई किसके किससे मान रहे हैं? देखिए, लड़ाई पहले वाली है, सिर्फ कैंडिडेट बदले हैं। लड़ाई हमारा पूर्व विधायक देव रंजन बाबू से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ाई है, लेकिन लड़ाई में है नहीं, लेकिन लड़ाई अगर है तो उन्हीं से है। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के लेकर फिर से आप दूसरी बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं? मुद्दा तो हम विकास किए हैं, हमारी सरकार विकास की है। अगर जनता का फिर आशीर्वाद और प्यार मिला तो ये बिहार एक विकसित बिहार होगा। पूरे भारत में हमारा बिहार एक नंबर का विकसित बिहार बनेगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो। आप अपने जीत को लेकर कितने